नमस्ते, मैं डॉक्टर यतीश जैन, मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे लीवर एब्सेस के बारे में। लीवर एब्सेस क्या होती है, कैसे बनती है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, इसमें हम क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए और बेस्ट क्या थेरेपी रहेगी। तो इससे पहले कि हम इन सब चीज़ों के बारे में शुरू करते हैं, मैं एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आप ये समझ पाएं कि असल में हो क्या रहा है। कि ये जो वर्ड लीवर एब्सेस है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। कभी आपने देखा होगा हाथ पे या कहीं पैर पे छोटा सा एक पिंपल बन जाता है जिसमें पस एक्यूमुलेट हो जाता है, उसके चारों तरफ रेडनेस हो जाती है, अगर हम उसे टच करते हैं वहाँ पेन भी होता है, और बहुत रेयर केसेस में कभी कभार उसकी वजह से बुखार भी आने लगता है। और जैसे ही पस निकलती है तो हमें अच्छा लगने लग जाता है, वहाँ पे पेन सब रेडनेस सब कुछ खत्म हो जाता है, फीवर भी आना खत्म हो जाता है। तो लीवर एब्सेस भी कुछ सिमिलर सी चीज़ है, बस यही समझना है कि ये सब कुछ लीवर के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि ये इन्फेक्शन लीवर में आया कहाँ से। तो लीवर के अंदर दो मेन आर्टरीज होती हैं, दो मेन वेसल्स होती हैं जो कि लीवर के अंदर खून को लेकर आती है। एक होती है हेपेटिक आर्टरी, एक होती है पोर्टल वेन। पोर्टल वेन जो होती है वो आंतों से सारा ब्लड एक्यूमुलेट करके लीवर में डालती है, ताकि जो आंतों का डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी न्यूट्रिशन है, वो सारा का सारा एक्यूमुलेट हो पाए और वो लीवर के अंदर फिल्टर एंड प्रोसेस हो पाए और वो फर्दर बॉडी के इस्तेमाल। जो हेपेटिक आर्टरी है, अगर उसमें से इन्फेक्शन आता है, वो जनरली सिस्टमिक इन्फेक्शन होता है, यानी कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में वो इन्फेक्शन चल रहा होता है और वो आके लीवर के अंदर डिपॉजिट होने लग जाता है। जबकि पोर्टल वेन के थ्रू जो इन्फेक्शन आते हैं वो जनरली ऐसा होता है कि हमारी आंतों का कोई इन्फेक्शन होता है, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया, डायबिटिकुलाइटिस हो गया, या अमीबिक अल्सर्स हो गए जो कि कॉलोन के अंदर होते हैं। कॉलोन का मतलब बड़ी आंत के अंदर होते हैं, और उसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये सारा का सारा जो इन्फेक्शन है ये लीवर में आके डिपॉजिट होने लग जाता है, और लीवर में आने के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करता है पस। अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है लीवर में, तो जनरली कई प्रकार मतलब कई सारी लीवर एब्सेसेस बनती है, यानी कि दो तीन, उनका नंबर जनरली ज़्यादा होता है, तीन चार पाँच इस तरीके से होती है। और अगर हमारी अमीबा की वजह से बनती है, जो कि पैरासाइट है, उस एट इसका फुल फॉर्म होता है एट अमीबा डिस्ट्रीब्यूटर, अगर इसकी वजह से हमारा पस बन रहा है, तो जो हमारा पस है वो जनरली एक या दो एब्सेसेस के फॉर्म में हमें देख रहे हैं, और पर लेकिन इनका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही हो, ये फीचर्स जनरली ओवरलैप करते हैं। अब इसमें हम टेस्ट क्या क्या करवाते हैं, तो इसके अंदर दो हमारे इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट होते हैं, जो कि एक होता है CBC और एक होता है LFT। CBC के अंदर हमें जो मेन वैल्यू हमारे कंसर्न की होती है वो होता है WBC काउंट, या फिर दूसरा नाम आप अपनी रिपोर्ट में देख पाएंगे TLC काउंट के नाम से होता है। ये बताता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है। समझ लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी होती है, तो ये हमारी बॉडी की आदमी है, जब भी इन्फेक्शन होता है तो इसका काउंट घट जाता है। नॉर्मली ये 4,000 to 11,000 की रेंज में रहते हैं, बट जैसे ही इन्फेक्शन होता है तो इसकी रेंज बढ़ जाती है, 14,000, 18,000, 20,000 इस वैल्यूज में आने लग जाते हैं। ये जितनी ज्यादा होते हैं, ये एक तरीके का डिमार्केशन होता है कि इन्फेक्शन उतना ही ज्यादा है। और उसी तरीके से जैसे हमें ज्यादा सोल्जर्स की जरूरत है एक बड़ी कंट्री को बनाने के लिए, उसी प्रकार से हमारी बॉडी को भी ज्यादा TLC या ज्यादा WBC की जरूरत है उसको इन्फेक्शन को, ज्यादा बड़े इन्फेक्शन को। तो आइए समझते हैं कि लीवर एब्सेस में ड्रेन ट्यूब कैसे डालते हैं। लीवर एब्सेस में समझ लीजिए कि ये जो बीकर है ये लीवर है, और ये जो अंदर फ्लूड है दैट इज द एब्सेस फ्लूड, जो पस है हमारा। ठीक है, और जो ये रेशे हैं ये सॉलिड कंपोनेंट ऑफ पस है, जो कि पस के कंसंट्रेशन की वजह से फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के ड्रेन्स होती है, एक तो होती है फिक्टल कैथेटर, जैसे आप देख रहे हैं ये नीचे से घूम ही होता है। इसका फायदा ये होता है कि अपने आप अंदर लॉक हो जाती है और बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं। सेकेंडली ये हमारे पास मेलाकॉर्ड कैथेटर है, जैसे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे एक फ्लावर होता है एंड पे, और जिसकी वजह से इसके पास एक बहुत बड़ा एरिया होता है जिसको ये ड्रेन आउट कर सके। अब दोनों को डालते कैसे हैं, तो डालने के भी दो तरीके होते हैं हमारे पास। एक होता है डायरेक्ट फ्रैक्चर टेक्निक, जिसमें हम सीधा पूरी की पूरी ट्यूब को एक ही बार में लीवर के अंदर डाल देते हैं, और दूसरा होता है कि हम वायर के थ्रू, वायर के ऊपर ये सब काम करते हैं। तो मैं दोनों तरीकों को डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। सपोज ये आपकी ड्रेन है, तो डायरेक्ट पंचर में आप जैसे देख सकते हैं मैं एक पंचर करूंगा और ये ड्रेन इसके अंदर प्लेस कर दूंगा इस तरीके से।
ये देखने में बहुत आसान लग रहा है बट लेकिन जब हम पेशेंट पे करते हैं तो उसमें थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। एंड अगेन क्योंकि एक ही दम इतना बड़ा आप समझ लीजिए अपर्चर बनता है इस ट्यूब के साइज का, तो पेशेंट के लिए भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल या थोड़ा सा ज्यादा पेनफुल होता है ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि हम ये सब वायर के ऊपर करें। वायर के ऊपर करने के तरीके में सबसे पहले हम एक निडल देते हैं, निडल को हम एंटर करवाते हैं, एंटर करवाने के बाद निडल के माउथ को हम निकाल देते हैं, फिर उसके ऊपर हम एक वायर डालते हैं जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। वायर एक बार हमारे पल्स वाली जगह पे एस्टेब्लिश हो जाती है तो उसके बाद हम निडल को रिमूव कर देते हैं। निडल को रिमूव करने के बाद हमारे पास कुछ डायलेटर्स होते हैं जैसे ये देख पा रहे हैं। इन डायलेटर्स का फायदा ये होता है कि हम इन डायलेटर्स के थ्रू लिवर और स्किन की सतह को धीरे धीरे डायलेट करते हैं ताकि पेशेंट को बहुत ही कम पेन हो और पेशेंट के लिए बहुत ही कम्फर्ट रहा हो। ये हमारे पास डायलेटर्स के अलग अलग साइज होते हैं जैसे 8, 10, 12, ये धीरे धीरे इंक्रीमेंट्स में होते हैं ताकि हमारे पेशेंट को ना बहुत ज्यादा कंप्लेंट ना हो, बहुत ज्यादा पेन ना हो। ऐसा लगता है कि इतनी बार कोई चीज अंदर बाहर जाएगी पर ऐसा नहीं होता, ये सारा लोकल एनेस्थीसिया में होता है। आपको सिर्फ पता लगता है कि कुछ कर रहे हैं बट पेन नहीं होता है, ठीक है। एंड फाइनली मैंने वीडियो के लिए सारे आपको डायलेटर्स डाल के नहीं दिखाया बट सिंपल तरीके से हम सारों को स्टेप बाय स्टेप डायलेट करते हैं एंड उसके बाद हम हमारी ड्रेन को फाइनली प्लेस कर देते हैं। ये देखिए ये हमने ड्रेन को फाइनली प्लेस कर दिया। प्लेस करने के बाद हम इसके माउथ को खोल के और ये वायर और इसको बाहर निकाल। अब आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों ट्रेन अवेलेबल है अंदर। एक हमारे पास है मेलापॉट जिसके आगे फ्लावर बना हुआ था और एक हमारे पास अवेलेबल है पिकटेल जिसके अंदर एट दी एंड हमारा एक राउंडिंग फॉर्मेशन है। एक हमारे पास है मेलापॉट जो कि ग्रीन कलर का है जिसके एंड पे फ्लावर है और एक हमारे पास पिकटेल है जिसके अंदर एंड में राउंडेड फॉर्मेशन है। अब दोनों में से हम कौन सा यूज करना प्रेफर करते हैं और दोनों में से किसका क्या बेनिफिट है? अब आप ये देखिए ये हमारी पिकटेल है ब्लू कलर वाली, इससे मैं अगर इसमें फ्लूइड निकालता हूँ तो आप देखिए फ्लूइड तो आ रहा है बहुत अच्छे से बट जो लिवर के रेशे हैं वो बहुत अच्छे से नहीं आ पा रहे, ठीक है। अगर हम इसको नोट करेंगे तो इसमें नहीं आ रहे बट जब हम मेलापॉट में ये चीज करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे इसमें रेशे भी साथ में आ रहे हैं। अब ये एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसमें हम लीवर एब्सेस को एस्पिरेट कर रहे हैं। एस्पिरेट करने का मतलब ये है कि हम इसमें निडल डालते हैं सिर्फ एक सिंगल टाइम, इसको पस को निकाल देंगे, इसमें हम ट्यूब नहीं डालेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं इस लीवर एब्सेस के दोनों तरफ बहुत मेजर वेसल्स हैं और ये लीवर की जो एब्सेस है ये हार्ट के भी पास है, तो आप देख सकते हैं कि हम अल्ट्रासाउंड से कितनी फास्ट, आप देखेंगे अगर वीडियो में हार्डली 10 to 15 seconds में एक अगर ट्रेनिंग डॉक्टर है वो हार्डली 10 टू 15 सेकंड्स में लिवर एब्सेस तक पहुंच जाते हैं और इसको ड्रेन करते हैं। ये वीडियोस हम एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाते हैं और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज अपनी फैमिली के साथ शेयर करिए और इनको लाइक करिए।